रीसेंट टाइम्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लॉकडाउन सिचुएशन में है। ऐसा लगता है जैसे हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल पॉज हो गया हो, और इसका रीजन हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिसको हम COVID-19 भी बुलाते हैं। इस वायरस को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, ये हाईली कंटेजियस है, जिसके लिए हमें सभी हेल्थ मेजर्स के साथ साथ स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 21 डेज का लॉकडाउन रखा है, विच इज द नीड ऑफ द आवर, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गवर्नमेंट की सभी रेगुलेशंस को प्लीज फॉलो करें। इस लॉकडाउन में पिछले 10 डेज से मैं कुछ टिप्स को फॉलो कर रही हूं, जिससे हम अपने घर को इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इस वायरस से सेफ रख सकते हैं। ये सभी टिप्स बहुत प्रैक्टिकल हैं और यही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहली चीज है डिसइंफेक्टिंग द हाई टच सर्फेसेस, यानी कि हमारे घर की वो चीजें या वो कॉर्नर्स जिनको हम और हमारे फैमिली मेंबर्स फ्रीक्वेंटली टच करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से कॉर्नर्स हैं और हम उनको कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत इफेक्टिव है। डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए आप एक स्प्रे बॉटल में 50% वाटर और 50% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिक्स कर लीजिए और आपका डिसइंफेक्टेंट रेडी है। किसी भी एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए दो चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले हमें उस एरिया को क्लीन करना है और उसके बाद दूसरे क्लॉथ से डिसइंफेक्ट करना है। सेकेंडली, जिस भी एरिया में हम डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करते हैं उसको हमें अराउंड 5 मिनट से पहले वाइप ऑफ नहीं करना। ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, बट दैट्स द राइट वे टू डू इट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में आप अलग अलग कॉर्नर्स में स्प्रे कर दीजिए, जैसे कि चेयर हैंडल्स, डोर नॉब्स, टैप्स या फिर फ्लश नॉब्स, और सेकेंड राउंड में आप फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करके सभी चीजों को वाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना टाइम भी सेव करेंगे और सभी कॉर्नर्स अच्छे से डिसइंफेक्ट भी हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सरफेस पर डायरेक्टली डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मत करिए, इससे उनकी फंक्शनिंग हैम्पर हो सकती है। इस टाइम हम सभी लोगों को थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि घर के वो कौन से कॉर्नर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको सभी फैमिली मेंबर्स फ्रीक्वेंटली टच करते हैं, और आपको उन सभी को डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जिस क्लॉथ को आप यूज़ कर रहे थे आपको उसको इमिडिएटली वॉश करना है। इसके लिए आप किसी भी बोल में हॉट बॉइलिंग वाटर ले लें और उसके अंदर उस क्लॉथ को अराउंड 10 मिनट्स के लिए डिप कर दें। और फिर उसको सुखा लें। नाउ लेट्स कम टू ग्रोसरी शॉपिंग। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज कोशिश करिए कि आपको डेली एसेंशियल्स के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े। आप इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर सकते हैं या फिर आपके घर के आसपास के शॉपकीपर्स जिनको आप फोन पर ऑर्डर दे दें और वो आपका सामान घर पर ही डिलीवर कर दें। इसके लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं तो दे आर टोटली वर्थ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको डेली एसेंशियल्स के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप देखिए कि आपके घर के आसपास जो मार्केट है वहाँ कब सबसे कम रश होता है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जनरली मॉर्निंग और इवनिंग में रश ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टरनून में बहुत कम रश होता है। डेली एसेंशियल्स लेकर जब आप मार्केट से घर वापस आते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को थॉरली वॉश करना है।
और उसके बाद ही आप अपने मास्क को रिमूव करें। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अनवॉश्ड हैंड्स से अपने मास्क को टच नहीं करना। उसके बाद आप जो भी ग्रोसरीज लेकर आए हैं, हो सकता है वो अपने साथ वायरस कैरी कर रहे हों, इसलिए आप उनको अराउंड 24 आवर्स के लिए एक सेक्लूडेड कॉर्नर में रख दें। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ इमिजिएटली यूज़ करनी है तो उसके लिए पहले आप उन पैकेट्स को अच्छे से स्क्वीज करके देख लें कि वो प्रॉपरली सील्ड है या नहीं, और उसके बाद आप उनको बाकी सर्फेसिस की तरह ही डिसइनफेक्ट कर सकते हैं। सील को चेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमारा फूड किसी भी केमिकल के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप अपने ग्रोसरी बैग को धूप लगा लें और जो भी क्लोथ्स आप मार्केट पहन के गए थे उनको हॉट वाटर में वॉश कर लें। नाउ लेट्स कम टू द मोड ऑफ पेमेंट। इस टाइम आप अपनी फिजिकल करेंसी यानी कि नोट्स और कॉइन्स को यूज करना बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि यू नेवर नो कि वो कहाँ से सर्कुलेट होकर आ रहे हैं और उन पे कौन से जर्म्स या फिर वायरस हैं। तो ये एक अननेसेसरीली रिस्क लेने वाली बात है। इससे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो जाता है हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सेफेस्ट वे है पेमेंट करने का, वो है हमारे ई वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम और फोनपे, क्योंकि उसके लिए आपको पेमेंट करने के लिए कोई भी चीज़ को टच नहीं करना पड़ता, आप अपने फ़ोन से ही इजीली पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारी हैबिट है कि जब भी हम बाजार से वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो उनको वॉश करने के बाद ही हम अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन इस टाइम आपको कुछ वेजिटेबल्स के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहले वो वेजिटेबल्स जिनको हम कुक नहीं करते, एज अ सैलड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कुकुम्बर, या फिर वो वेजिटेबल्स जिनको हम कुक तो करते हैं लेकिन हम उनको पील नहीं करते, यानी कि उनका छिलक नहीं उतारते, जैसे कि टोमेटोज, कैप्सिकम, बीन्स, लेडी फिंगर या फिर ग्रीन चिली। तो आइए देखते हैं कि आपको उन्हें कैसे क्लीन करना है। इसके लिए आप किसी भी वेसल में थोड़ा पानी ले लें और उसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून टर्मरिक डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बाद आप इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल लें। वेजिटेबल्स को डिसइनफेक्ट करने का ये एक नेचुरल वे है। अगर आपके पास बड़ा वेसल है तो आप सभी वेजिटेबल्स को एक साथ सोक कर सकते हैं, लेकिन तब आपको सॉल्ट और टर्मरिक की क्वांटिटी अकॉर्डिंगली बढ़ानी पड़ेगी। 20 मिनट्स के बाद हम इन सभी वेजिटेबल्स को थॉरली वॉश कर लेंगे और उनको ड्राई होने के लिए रख देंगे, और जब ये ड्राई हो जाए तो आप उनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा रिस्क हमारे घर के एल्डर्स को है जिनकी एज 60 प्लस है, तो इस टाइम पे आपको उनका स्पेशल ध्यान रखना है। हमारे घर के एल्डर्स की हैबिट होती है कि वो मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं, शाम को पार्क में जाते हैं, लेकिन आपको उन्हें ऐसा करने से रोकना है। उनके साथ घर में ही टाइम स्पेंड करिए ताकि वो बोर्ड फील ना करें। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके घर में कोई भी कुरियर आता है या फिर कोई भी ग्रोसरीज डिलीवर होती हैं तो मेक श्योर कि आपके एल्डर्स उनको रिसीव ना करें। किसी भी आउटसाइडर से आपके घर के एल्डर्स का एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज, हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि हमें अपने हैंड्स को 20 सेकंड्स के लिए वॉश करना है, लेकिन 20 सेकंड्स के लिए टैप ऑन मत रखिए। टैप सिर्फ तब ऑन करिए जब आपको एक्चुअल में अपने हैंड्स धोने हो। लास्ट में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि इस सिनेरियो में हम सभी लोग इफेक्टेड हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे कोई न्यूज पढ़ के या कोई फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ के उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। पहले देखिए कि उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स कितना क्रेडिबल है। कितनी बार हम लोग गलत चीज पढ़ के पैनिक कर जाते हैं और अनइंटेंशनली उसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब तक किसी इंफॉर्मेशन का सोर्स आपको जेन्युइन ना लगे, क्रेडिबल ना लगे, उस पर प्लीज ट्रस्ट मत करिए।
सो गाइज, ये थी वो सभी टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने घर को इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई टिप है जो कि आप फॉलो करते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट बाकी व्यूअर्स भी उसको पढ़ सकें। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी अपने घर को इसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। आई सी यू सून एट हर फैम पे। बाय।